हरी, तुम्हारा नाम? जी नाम सीमा। गांव का नाम? गांव सगीर ग्राम। क्या काम करती हो सीमा? जी हम खेती करते हैं और धंधा भी। मेरी साथ में से 6 बहनें धंधा करती हैं, मैं भी। नमस्ते, मैं रूपा, गांव सगीर ग्राम, उम्र 22। हमारे गांव में अधिकतर औरतें धंधा करती हैं, तो मैं भी। लेकिन दीदी मुझे इस धंधे में कुछ बुरा नहीं लगता। अब शादीशुदा औरतें भी तो यही काम करती है ना। फर्क सिर्फ इतना है उन्हें ना पैसे मिलते हैं ना छुट्टी। हम तो पैसे भी लेती हैं, छुट्टी भी मनाती हैं। एनजीओ मैडम बताती हैं ये काम बुरे हैं, हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर किसान की फसल ना उगे तो किसान अपना पेट कैसे पाले? ऊपर से हमारे ग्राहक हरामी तिरक दिराइवर। ये तिरक दिराइवर, भगवान इनका भला करे, जे तो हमारी रोजी रोटी चलाते हैं दीदी। अब हाईवे पे सिर्फ 4 चीजें बिक सकती है ना, खाना, पानी, पेट्रोल और औरत। कई बड़े लोग आते हैं, और वो जो कल के अखबार में जिन एमएलए साहब का चित्र आया था, हाँ मेरा पहला दाम उन्होंने ही लगाया था। मेरा दाम लगना मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी। अब कम से कम पता तो चलता है ना मैं कितने में बिकती हूँ। पर हाँ, दाम से ज्यादा मैं काम से मतलब रखती हूँ। अब इतनी मेहनत करो तो मजा तो आना चाहिए ना। अरे क्या शर्मा के फिर से लाल हो गए तुम टमाटर की तरह। अरे हमें छूट है, हम किसे हाँ बोले और किसे ना। सफेद गाड़ी भिजवाई थी उन्होंने मुझे लेने। वो जो एनजीओ मैडम है ना, वो हमेशा आके जही बकवास करती रहती है। सीमा बिटिया, ये काम खराब है। अरे क्यों खराब है? बिटिया तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए खराब है। पर दीदी ये बात तो मेरी समझ ही ना आए। मेरी आत्मा तो मेरे मरे पे जिंदा होगी ना।